में शुरू होगा दूसरा वनडे मैच लाइव। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पहले टेस्ट सीरीज गवाई और फिर पहले वनडे में मिली हार, टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका दौरा बिल्कुल सही साबित नहीं हो रहा है। इतनी मजबूत टीम के साथ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पहुंची थी, उसे देख यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज को जीती ही जीती, साथ में अब वो वनडे सीरीज भी जीतने के करीब है। पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हराया और अब आज होने वाले मैच में उनकी नजरें सीरीज जीत पर होगी। दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया ने कई ऐसी गलतियां की जिसकी उम्मीद भारतीय टीम से कतई नहीं थी और इसका फायदा विरोधी साउथ अफ्रीका ने उठाया। अब आज टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है, मतलब अगर इस मैच में हार मिली तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम को अपनी 4 गलतियों को सुधारना होगा, तभी वो सीरीज में बराबरी कर पाएगी। किसी भी टीम के लिए जीत के दरवाजे उसकी ओपनिंग से ही खुलते हैं और भारतीय टीम को दूसरे वनडे में यही काम करना होगा। केएल राहुल पहले वनडे में काफी फंसकर खेल रहे थे और उन्होंने एडम मार्करम को अपना विकेट दिया। केएल राहुल कप्तान है और उन्हें दूसरे मैच में अपना जलवा दिखाना होगा। शिखर धवन को भी पहले मैच की फॉर्म बरकरार रखनी जरूरी होगी। वही आज मिडिल ऑर्डर के रंग में आना जरूरी है। पहले वनडे में विराट धवन की बेहतरीन साझेदारी के बाद भारतीय मिडिल ऑर्डर ढह गया। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर तीनों जल्दी पवेलियन लौट गए, जिसका नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ा। साथ ही नंबर 4 पर ऋषभ पंत की जगह श्रेयस अय्यर को भेजना जरूरी है, जो उस नंबर पर अच्छा खेलते हैं। वही पहले वनडे में भारतीय टीम ने 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जबकि उसके पास 6ठे गेंदबाज का भी विकल्प था। कप्तान केएल राहुल ने वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी ही नहीं कराई, जबकि शार्दुल ठाकुर, मुनेश्वर कुमार महंगे साबित हो रहे थे। वही आज टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका की घुटना टेक रणनीति से बचना होगा, जिसकी वजह से वो पहला वनडे मैच हार गई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये घुटना टेक रणनीति आखिर है क्या? ये वो रणनीति है जिसका इस्तेमाल रासी वैन डर डुशेन ने पहले वनडे में किया। रासी ने मुश्किल मौके पर क्रीज पर कदम रखा और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल, आर अश्विन के खिलाफ स्वीप और रिजर्व स्वीप शॉट खेल उन्हें परेशान कर दिया। डुशेन ने बड़ी तेजी से रन बनाए और अंत में उन्होंने शतक ही जड़ दिया। रासी ने नाबाद 129 रन बनाए और शतकवीर कप्तान टेम्बा वामुमा के साथ मिलकर 4थे विकेट के लिए 204 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी की। दोस्तों, पहले वनडे में शानदार शतक जड़ने के बाद राशि ने बताया कि उन्हें कप्तान टेम्बा वामुआ ने स्वीप शॉट्स खेलने की सलाह दी थी। राशि ने कहा, मैं टेम्बा के साथ काफी समय से खेल रहा हूँ, हम एक दूसरे का गेम प्लान जानते हैं, टेम्बा खेल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि युजवेंद्र चहल और अश्विन के खिलाफ स्वीप शॉट्स का ज्यादा इस्तेमाल करो। बाउमा की ये सलाह राशि के काम आई और उन्होंने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक ठोका। बता दें कि दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया के खिलाफ स्वीप शॉट्स का इस्तेमाल हो सकता है। अगला मैच भी पार्ल में ही है और ऐसे में टीम इंडिया एक बार फिर 2 स्पिनर्स के साथ ही मैदान पर उतर सकती है और ऐसे में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की रणनीति भी शायद ज्यादा नहीं बदलेगी। भाई दोस्तों, आज भी मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और बात करें आज के मैच के प्लेइंग 11 की, तो बल्लेबाजी यूनिट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आज भी वही बल्लेबाज खेलेंगे जो पहले वनडे में खेले थे, बस बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जाएगा। पंत की जगह अय्यर को 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि गेंदबाजी यूनिट में बदलाव किया गया है, मुनेश्वर कुमार की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जाएगा।